नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इतिहास विषय से संबंधित संपूर्ण टॉपिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वाला जो टॉपिक है बच्चों वो आपके नीट एग्जाम का सेकंड टॉपिक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बच्चों पढ़ा था। आज हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वेदिक और दूसरा है आपका बच्चों वैदिक। इन दो भागों में वैदिक सभ्यता को हम बांट सकते हैं। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। देखो बच्चों, सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार था वर्ण एवं जाति व्यवस्था। हमारे अगर हम बात करें जाति की, तो उस समय जो जाति थी उसका आधार जन्म था। लेकिन जन्म जो था वो किसके ऊपर निर्भर था, वर्ण के ऊपर निर्भर था। और ऋग्वेदिक समाज की वर्ण व्यवस्था बच्चों कर्म पर आधारित थी। जो जैसा काम करता था उसके आधार पर ही उसकी जाति का निर्धारण हो जाता था। लेकिन धीरे 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 करके जाति का आधार किसने ले लिया, जन्म ने ले लिया। तो हमारे ऋग्वेदिक समाज में जाति एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है बच्चों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें चार वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के अन्य जगह पर या अन्य मंडलों में केवल दो ही वर्ण बताए गए हैं। केवल पुरुष सूक्त ही एक ऐसा वर्ण है जहां पर आपके चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है उसकी तुलना एक पुरुष से की है। किससे की है, पुरुष से वर्णन करते हुए इन चारों वर्णों के बारे में बताया है कि पुरुष का जो मुख है वो कौन है, ब्राह्मण है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण मुख के माध्यम से ज्ञान देता है, गुरु की भूमिका निभाता है, अध्यापन का कार्य करता है। तो ब्राह्मण कहाँ से, मुख से। पुरुष की भुजा से किसका निर्माण हुआ है, क्षत्रिय का निर्माण हुआ है। क्यों बच्चों, क्योंकि क्षत्रिय शौर्य और साहस के कारण जाना जाता है। इसके बाद आता है वैश्य, वैश्य जांघों के लिए, क्योंकि समस्त जो शरीर है वो जंगों के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि आर्थिक जीवन जो सुचारू रूप से चल पाता है वो वैश्यों के कारण ही चल पाता है। तो वैश्य और शूद्र बताया है, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य किसके माध्यम से किया जाएगा, शूद्र के माध्यम से किया जाएगा। तो हमारे ऋग्वेदिक समाज में चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ये बात रीट एग्जाम, सीटेट, एसएससी में कई बार पूछा गया है बच्चों। तो आपको मेरे पूरे वीडियो को देखना है, समझना है और उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, ताकि आप जो है रीट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको और इतिहास से संबंधित समस्त टॉपिक्स में आपको बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में समझा सकूं बच्चों। तो इसके बाद आता है परिवार कैसा था। देखो बच्चों, ऋग्वेदिक समाज जो था एक ग्रामीण समाज था। और आज भी हम जानते हैं कि ग्रामीण समाज में आज भी संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी। बहुत सारे लोग जो है साथ में रहते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
आपका जो ऋग्वेदिक समास था वहां पर कौन सी परिवार प्रणाली थी? संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी, जबकि उत्तर वैदिक समाज तक आते आते एकल परिवार बनने लग गए थे। लेकिन ऋग्वेदिक समाज कैसा था? संयुक्त परिवार प्रथा मौजूद थी। उसके बाद आता है समाज जो था पितृसत्तात्मक था, पिता परिवार का मुखिया होता था और पिता की निरंकुश सत्ता जो है वो परिवार में चलती थी। जबकि आपने पहले के वीडियोस में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, जबकि ऋग्वेदिक समाज पितृ सत्तात्मक है। वहां पर एकल परिवार थे और यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है। किससे तुलना करी मैंने बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना की है। अब उसके बाद आता है स्त्रियों की दशा। देखो बच्चों, ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी ही सुधरी हुई थी, लेकिन मध्य काल तक आते आते बच्चों स्त्रियों की दुर्दशा होने लग गई, क्योंकि मध्यकालीन जो भी शासक यहाँ पर आए उन्होंने उनके साथ अत्याचार हुआ, राजपूत स्त्रियों के साथ अत्याचार होने लग गया था, जिसके कारण हमारे समाज में कई प्रथाएं आ गई बच्चों। बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, ये प्रथाएं आई, लेकिन उस समय ना तो बाल विवाह था ना सती प्रथा विद्यमान थी बच्चों। तो ऋग्वेदिक जो समाज था वहाँ पर स्त्रियों की दशा बड़ी ही उन्नत थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की दशा कुछ कमजोर हुई, लेकिन ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी ही अच्छी थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार, लड़कियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। लड़का और लड़की में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था बच्चों। तो स्त्रियों को शिक्षा पाने का अधिकार था, उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद आता है अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा और सिक्का। ये कई ऐसी विदुषी महिलाएं इस जमाने में ऋग्वेदिक समाज में इनके प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। उनमें ये विदुषी महिलाएं थी अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, सिक्ता, नितावरी। कई ऐसी विदुषी महिलाएं ऋग्वेदिक समाज में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है विवाह की बात। ऋग्वेदिक समाज में विवाह दो प्रकार के होते थे बच्चों, एक है आपका अनुलोम और एक है आपका प्रतिलोम। आधुनिक समाज में भी इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। अनुलोम विवाह वो माना जाता था जिसमें उच्च वर्ग का लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की होती थी, उसे हम अनुलोम विवाह कहते थे। इसके अलावा जब निम्न वर्ग का लड़का होता था और उच्च वर्ग की लड़की होती थी तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है आरपीएससी ने पूछा है बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। विवाह, विवाह दो प्रकार के होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। एक आपका ये ऋग्वेद का जो स्वमंडल है ये भी बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की होती थी, जबकि प्रतिलोम में निम्न वर्ण का लड़का होता था और उच्च वर्ण की लड़की होती थी। तो ये दो प्रकार के विवाह जो थे ऋग्वेदिक समाज में होते थे। नियोग प्रथा का उल्लेख भी हमें ऋग्वेदिक समाज में मिलता है। इसके अलावा बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, इन सब का उल्लेख हमें ऋग्वेदिक समाज में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहु विवाह का प्रचलन बढ़ गया था, बहु पत्नियां रखने का प्रचलन बढ़ गया था, लेकिन ऋग्वेदिक समाज में ऐसा नहीं था। तो आपने देखा जो आपकी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी उसका आधार कर्म था, फिर जन्म हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, पुरुष सूक्त में समस्त पुरुष को आधार मानकर चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र परिवार संयुक्त परिवार था, पितृ सत्तात्मक था, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा विवाह के दो प्रकार थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वस्त्र क्या था, परिधान क्या था, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था। तो देखिए बच्चों, परिधान में सबसे पहला आता है वास। वास जो है निचला हिस्सा, जो हमारा हम जो नीचे वाले हिस्से में बॉटम वाली जो जितनी भी चीजें पहनते थे ऋग्वेदिक समाज के लोग, उनको हम वो लोग क्या कहते थे, वास के नाम से जाना जाता था। जो ऊपरी हिस्से पर जो कपड़े पहनते थे, जैसे टी शर्ट्स है, ये अभी टी शर्ट है, वो जो लोग वस्त्र पहनते थे उनको अधिवासों के नाम से जाना जाता था। ऊपरी हिस्से को अधिवास, निचले हिस्से को वास के नाम से जाना जाता था, और जो आंतरिक हिस्से में जो चीजें पहनी जाती थी उसको नीवी के नाम से जाना जाता था। अधिवास ऊपरी हिस्से को, वास निचले हिस्से को कहा जाता था, और जो शॉल की तरह ओढ़ा जाने वाला वस्त्र था उसको उत्क के नाम से जाना जाता था। शॉल की तरह ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र था उसको उत्क के नाम से जाना जाता था। फिर आता है बच्चों आपका वाधुए। वाधुए में क्या था, वाधुए जो कि कौन पहनती थी, वधु पहनती थी, उसको हम वाधुए के नाम से जाना जाता था। और जो नृत्यियां जो वस्त्र पहनती थी बच्चों, उसको पेशस के नाम से जाना जाता था। ये हुआ आपका परिधान। अब आता है खाद्य वेय पेय प्रधान। देखो बच्चों, उस समय जो आटे से सत्तू बनता है आज, उसको सत्तू के नाम से जाना जाता था। जो आज वर्तमान में हम दलिया खाते हैं उसको ऋग्वेदिक काल में कर्म के नाम से जाना जाता था। खीर को ऋग्वेदिक समाज के लोग शिरोधन के नाम से जानते थे। इसके अलावा सोमरस को अमृत के समान माना जाता था, और इस समय सोमरस जो है काफी मात्रा में पेय पदार्थ के रूप में पिया जाता था। इसके अलावा सुरा इसका नेगेटिव पार्ट था, जो सुरा था वो एक मादक पदार्थ के रूप में इसकी गणना की जाती थी। सोमरस अमृत के समान माना जाता था। तो ये ऋग्वेदिक समाज के कुछ खाद्य व पेय पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा। सामाजिक जीवन देखा, परिवार की व्यवस्था देखी, विवाह देखी। अब बात करते हैं बच्चों उत्तर वैदिक काल की। इसकी उत्तर वैदिक काल के अगर समाज की बात करें बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो चुकी थी। ब्राह्मण जो था वो अध्यापन का कार्य करता था, क्षत्रिय जो था वो रक्षा करने का कार्य करता था, जो आपका वैश्य था व्यापार करने का कार्य करता था, और शूद्र तो जो था इन तीनों की सेवा करने का कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में चार पुरुषार्थों का उल्लेख भी किया गया है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं बच्चों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ये चारों पुरुषार्थों का उल्लेख हर मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए इन चार पुरुषार्थों की व्यवस्था का विधान हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है बच्चों। इनकी डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिर आता है विवाह। विवाह के प्रकारों की डिटेल भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते कौन कौन से विवाहों का प्रचलन हो चुका था। और यहाँ पर अगर हम परिवार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते परिवार एकल हो चुके थे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान थी, स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी,
बहुपत्नी प्रथा जो है वो समाज में विद्यमान हो चुकी थी। तो समाज में कर्म कांडों का आधिपत्य हो चुका था, कर्म कांड होने लग गए थे। ऋग्वेदिक समाज के लोग बड़े ही सादा और सरल थे, जिनके सामाजिक जीवन के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे के वीडियोस में इनके आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान जिनके सब्जेक्ट है, तो इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है वो बच्चों में आप सबको पढ़ा रही हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे मैं समझ पाऊँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तभी मैं अपनी मेहनत का एक फल मानूंगी कि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है। तो रीट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनका 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स को पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, अच्छी गाइड लीजिए, गलत डेटा नहीं लीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।